नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप PSD फाइल को कैसे JPG में सेव कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा PSD फाइल को कैसे आप सेव कर सकते हैं JPG में। ठीक है, सिंपल एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको मैं बताऊँगा। ये बहुत सारे लोगों को तो पता होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, और मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों को तो पता ही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो आगे देखिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PSD फाइल को JPG में कैसे सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है, कमेंट आया था इस बारे में और मैंने और भी रिसर्च किया तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि PSD फाइल जो आप बना रहे हैं फोटोशॉप में, या फिर आपके पास कोई PSD फाइल है तो आप उसको कैसे JPG में सेव कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, देखिए मेरे पास एक PSD फाइल है, ये 2 नंबर की। ठीक है, मैं यहाँ से इसको उठा के ले आऊँगा अपने फोटोशॉप में। ठीक है, यहाँ से फोटोशॉप में आने के बाद अब इसकी हमें JPG बनानी है। देखिए सिंपल है, यहाँ से जाएंगे ऊपर, ज़ूमइट ओपन कर लेता हूँ आपके लिए मैं। ज़ूमइट से जो अच्छा समझ में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से जाएंगे ऊपर फाइल्स में, फाइल यहाँ मिलेगा आपको सेव। सेव तो ऑलरेडी है, यानी कि PSD इसकी ऑलरेडी बनी हुई, लेकिन आपको जो क्लिक करना है वो करना है सेव अज। ठीक है, इसका अगर शॉर्टकट देखा जाए तो शिफ्ट कंट्रोल S है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली शिफ्ट कंट्रोल S दबा कर भी आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरह की एक विंडो, जैसे कि आप देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। ओल्ट कंट्रोल S भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ओल्ट कंट्रोल S, उससे भी वही बार खुलेगी। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पर देख, यह है फाइल नेम, यह है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जो है आपका PSD है। ठीक है, अब हम इसका एक JPG और बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा JPG, JPEG, JPEG और JPE। तो ये जो फाइल है, ये जो फॉर्मेट है, ये JPG वाला फॉर्मेट है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेव का बटन मिलेगा, यहाँ पर सेव कर देंगे इसको। यहाँ पे ये रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये क्वालिटी एक तरह से, यहाँ पर देखिए क्वालिटी मैक्सिमम और जैसी मीडियम हाई लो आपको जैसे रखनी है। यहाँ पर मैं तो मीडियम रखूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं पूरी मैक्सिमम रखनी है आपको। यहाँ पर 12 होनी चाहिए कुल मिला के, जो नहीं 12 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पूरी रखनी है और उसके बाद आपको ओके के बटन पर प्रेस कर देना है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपने जहाँ पर अपनी उस फाइल को सेव किया था PSD को, वहाँ पर ही आपके पास एक JPG फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपकी PSD फाइल है जो कि मैंने ओपन की थी, यहाँ पर एक JPG फाइल प्रीव्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये सेव हो चुकी है। इसको ओपन करेंगे हम तो देखिए ये है JPG फाइल। इसी तरह से PSD फाइल की JPG फाइल बनाई जाती है। ये बहुत ईजी है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।